तो दोस्तों, जितने भी पुराने आईसी इंजन के स्कूटर मैन्युफैक्चरर थे, आज उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे को मार्केट में देखने के लिए मिलते ही हैं। जैसे बजाज की तरफ से बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे को मार्केट में मिलता है, इसी के साथ हीरो का वीरा इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे को मार्केट में मिलता है, टीवीएस का आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे को मार्केट में मिलता है। बट कुछ कंपनीज लाइक यामा और होंडा है जिनके इलेक्ट्रिक स्कूटर का वेट आज भी हम लोग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे यामा की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं निकल के आती है और बहुत ही कम अपडेट्स हमारे को देखने के लिए मिल रही है। बट यहां होंडा काफी एक्टिव हो गया है अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने के लिए। तो आज ऐसा ही ऑफिशियली होंडा का डॉक्यूमेंट रिलीज आउट किया गया, जिसमें होंडा ने अपने 2024 के इंडिया के प्लान के बारे में बताया। अब यहां पे दो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की पिक्स इन्होंने शोकेस करी है। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट के लिए बनाए गए हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे को देखने दिखाने में इनके एग्जिस्टिंग मॉडल की तरह ही देखने के लिए मिलती है। पहला स्कूटर जो है वो इनके होंडा डियो की तरह देखने में लग रहा है और दूसरा स्कूटर जो है वो इनके सबसे फेवरेट और हम लोगों के सबसे फेवरेट, जिनका हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, होंडा एक्टिवा की तरह देखने दिखाने में लग रहा है। अगर ये दोनों स्कूटर इलेक्ट्रिक वर्जन में आ जाएंगे तो ये काफी ज्यादा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि होंडा पे काफी लोग काफी टाइम से ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं बजाज चेतक स्कूटर को रिप्लेस करने वाले होंडा एक्टिवा स्कूटर की, तो ये दोनों स्कूटर भी कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग मार्केट के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को काफी तगड़ा कंपटीशन देने वाले हैं। अब इसके साथ साथ कंपनी की एक और पिक्चर रिलीज आउट हुई है, जिसमें होंडा ने स्कूटर को दिखाने के साथ साथ एक कैप्शन भी दिया है, जहां पे लिखा गया है, एक्सप्लोर पावर सोर्स अदर देन स्वैपेबल बैटरीज टू एक्सपेंड। मींस आपके पास स्वैपेबल बैटरी के साथ साथ एक अलग सोर्स भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की चार्जिंग के लिए हो सकता है। अब गाइस, अगर आप लोग मेरे को फॉलो करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि होंडा कहीं ना कहीं अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने से पहले अपना स्वैपेबल बैटरी का जितना भी ग्रिड्स है वो पहले एस्टैब्लिश करेगा, उसके बाद ही अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लेके आएगा। और यही चीज हमारे को देखने के लिए भी मिली थी बेंगलुरु में, क्योंकि बेंगलुरु में काफी जगहों पे हमारे को इनके बैटरी स्वैपिंग स्टेशन देखने के लिए मिले थे, जो कि ई स्टेशन के नाम से जाने जाते हैं। आप लोगों को अगर लास्ट न्यूज होंडा की ध्यान हो, जिसमें होंडा ने बताया था कि इनका जितना भी इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रोडक्शन होगा, ये सारा का सारा डेडिकेटेड एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म होगा, जो कि आईसी इंजन से बिल्कुल डिफरेंट होगा। और इसके जो सर्विस स्टेशन है वो भी आपको डिफरेंट जगह पर ही देखने के लिए मिलेंगे, जो कि ई सर्विस स्टेशंस के नाम से जाने जाएंगे, जो कि अगर आप लास्ट होंडा की अपडेट देखेंगे तो वहां पे इन्होंने क्लियरली बताया गया है। तो अब इस न्यूज के अकॉर्डिंगली लगता है कि नेक्स्ट ईयर 2024 फर्स्ट क्वार्टर में हमारे को होंडा की तरफ से दो इलेक्ट्रिक स्कूटर, माइट बी पॉसिबल होंडा डियो इलेक्ट्रिक स्कूटर और होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे को मार्केट में देखने के लिए मिल सकते हैं। और इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमारे को स्वैपेबल बैटरी के साथ साथ चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल सकता है। अगर होंडा इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर को मार्केट में लॉन्च कर देता है तो ये काफी तगड़ा कंपटीशन एग्जिस्टिंग कंपनी को दे सकती है। आप लोगों को क्या लगता है कि होंडा अपने इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेके आज की फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट को कम्पीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को इस तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।